करते हैं, यहाँ पे ओम शांति करते हैं, ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। ओके, अभी एक बहुत सुंदर विषय जिसकी आज बहुत जरूरत है, हाउ टू हैंडल अदर्स मिस्टेक, राइट? करना चाहते हैं? राइट, ओके। तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो अभी जिसके लिए आप चाहते हैं कि इसके अंदर ये मिस्टेक है, राइट? कि ये कोई भी अनदर, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो उसमें देखेंगे, फिर आपसे बाद में पूछेंगे कितने नंबर हैं, सारे ही नंबर्स हैं, मतलब सारे ही मिस्टेक्स हैं, या कुछ कुछ उसमें से कुछ हैं, ठीक है? तो अभी हम आपके सामने स्लाइड दिखाएंगे। ओके, अब जैसे इसमें है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अच्छा, दिख रहा है अभी? ओ नहीं, अच्छा हाँ हाँ स्क्रीन ये, ओ सॉरी। है आपस में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। ओके, सेकंड ट्रस्ट इशू है। ओके, थर्ड नॉट इनफ टाइम, सामने वाला समय नहीं देता है, आप चाहते हैं कि वो समय दे लेकिन सामने वाला समय नहीं देता है। फोर्थ हाई एक्सपेक्टेशंस है, सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इसमें फिफ्थ है नॉट सपोर्ट फॉर गोल्स, मतलब जो गोल्स आपके हैं उसमें वो सपोर्ट नहीं करता है, आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। छोटे छोटे गोल्स हम बनाते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो उसको नहीं होता है कि इनको अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो हम थोड़ा सा रात में टाइम कम लगाए, या फिर आपको एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, तो जो भी आपके गोल्स होते हैं उसमें सपोर्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट पुराने इश्यू उठाना, नहीं अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो आपने बैठ के सुलझाए ही नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट उसके भी मन में और आपके भी मन में चल रहे होते हैं, ऐसा है? जब आप उसको देखते हैं सामने वाले को, तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, आपको लगता है ये है ये, वो बैठ के बात करने के लिए राजी ही नहीं है, ऐसा है? ओके, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, आपको नहीं समझते हैं, आप जैसा अपने आप को समझ रहे हैं सामने वाला नहीं समझ रहा है, आपकी उसके लिए बहुत अच्छी भावना है लेकिन सामने वाला उस फीलिंग को नहीं समझ रहा है, फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। ओके, अभी और देखेंगे, जेलेसी एंड इनसिक्योरिटी है, जिसके साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, आप महसूस करते हैं कि वो जेलस है, इनसिक्योर है। फिर है फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट, हाँ। नेक्स्ट राय इग्नोर करना, आप उनको कोई राय देते हैं, कोई अच्छी सलाह देते हैं, वो इग्नोर करते हैं, ऐसा है? सामने वाला राय इग्नोर करना, ऐसा है? नेक्स्ट मिस्टेक्स के लिए ब्लेम करना, ऐसा है? आपने थोड़ी सी गलती की वो तुरंत ब्लेम करेंगे, उन्होंने कोई गलती की चलता है, होता है, या झगड़ा हो जाएगा, ऐसा है? अच्छा, फैमिली एंड फ्रेंड्स को रिजेक्ट करना, अलोन रहना, फैमिली से भी मतलब नहीं है, फ्रेंड से भी मतलब नहीं है, ऐसा है? फैमिली एंड फ्रेंड्स को रिजेक्ट करना। नेक्स्ट
हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी रह रहे, कैसे भी लाइफ स्टाइल है, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं है। नेक्स्ट, एप्रिसिएशंस की कमी। क्या वो ऐसा फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है? अच्छा, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने अभी दूसरों के ऊपर देखे, देखा कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है। चलो उसमें से कुछ कुछ होंगे, सभी प्रॉब्लम नहीं होगी उसके साथ में, कुछ एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ठीक है, सभी नहीं होगा। तो हमने उसको देखा कि उसके अंदर ये है प्रॉब्लम। अच्छा, अब जो हमने देखा उसके अंदर, अब ये जो प्रॉब्लम्स है, इसमें से मेरे अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है, मतलब मेरे अंदर कितनी कमियां हैं जो ये हमने देखा। अभी तक हम जो देख रहे थे उसको देख रहे थे, उसके अंदर ये है, वो ये करता है, वो ऐसा नहीं करता है। अब हम थोड़ा सा रिवाइज करें फिर से, अब ये मेरे अंदर कितना है, अब इस नजरिए से देखेंगे। अभी तक दूसरे के नजरिए से देख रहे थे, उसको देख रहे थे, अब अपने आप को देखेंगे, ये मेरे अंदर कितना है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है मेरे अंदर, ट्रस्ट इशू है, अच्छा, नॉट इनफ टाइम, हम समय नहीं देते, जितना मुझे समय देना चाहिए उतना मैं समय नहीं देती हूँ, है ऐसा? अच्छा, मेरे अंदर हाई एक्सपेक्टेशंस है। अभी अपने आप को चेक करना है, उसको नहीं चेक करना, मेरे अंदर हाई एक्सपेक्टेशंस है। मंजू बहन, ये स्टेज की लाइट ऑफ कर दीजिए, वह सबसे फर्स्ट है। अच्छा, अभी अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, हाई एक्सपेक्टेशंस मेरे अंदर, सामने वाले के लिए हाई एक्सपेक्टेशन है, एग्री? ओके, नॉट सपोर्ट गोल्स, क्या हम उसको उसके गोल्स के लिए सपोर्ट करते हैं? अभी हमने ये देखा वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, अभी क्या हम उसको उसके गोल्स के लिए सपोर्ट करते हैं? अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग है या रिजॉल्व है, क्लियर है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट, हम किसी बात पे पुरानी इश्यूज उठाते हैं। अभी तक क्या था, सामने वाला उठाता है, अब अपने आप को चेक करना है, हम किसी बात पर पुरानी इश्यूज उठाते हैं। नेक्स्ट, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं, अंदर में चल रहे हैं, क्या ऐसा है मेरे साथ? कई साल पुराने, 1 साल, 2 साल, 10 साल पुराने भी हो सकते हैं इशू, जो आपने बैठ के उसको सुलझाया ही नहीं है, अपने अंदर में रखा हुआ है, क्या ऐसा है मेरे साथ? नेक्स्ट, इग्नोरिंग फीलिंग्स, क्या हम उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं? मुझे उसकी फीलिंग्स की वैल्यू है, हम उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, यस या नो? चलो पर्टिकुलर उस पर्सन के साथ नहीं, वॉट एवर, आप एक के साथ कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ना होता है, कई लोगों के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग इशू पर होते हैं, तो किसी दूसरे के साथ इग्नोर फीलिंग इग्नोर है। अच्छा, नेक्स्ट, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, किसी के भी साथ मेरे अंदर ये अवगुण है, जेलेसी, इनसिक्योरिटी। फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स, क्या ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है? मेरे अंदर है। राय इग्नोर करना, सामने वाला मुझे कोई राय देता है, हाँ, क्या
क्या मैं उसको इग्नोर करती हूँ या मैं बात मानती हूँ? अभी तक हमने देखा कि वो मेरी राय को इग्नोर करता है, अब हम देख रहे हैं सामने वाला मुझे कोई बात कह रहा है, क्या मैं उसकी बात को एक्सेप्ट करती हूँ, उसको वैल्यू देती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ या इग्नोर करती हूँ? ओके, नेक्स्ट। मिस्टेक्स के लिए ब्लेम करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट। फैमिली एंड फ्रेंड्स को रिजेक्ट करना, हम उसके लिए कहते हैं, वो फैमिली फ्रेंड्स को रिजेक्ट करता है। अभी हम अपने लिए, फैमिली फ्रेंड्स को रिजेक्ट करना, अलोन रहना, अकेले में रहना, किसी से कोई मतलब नहीं है। कैसा है? हेल्थ के ऊपर मेरा कितना ध्यान है? अभी खुद की चेकिंग हो रही है, उसकी तो हो चुकी, अभी खुद की चेकिंग हो रही है। मेरा कितना ध्यान है मेरी हेल्थ के ऊपर? नेक्स्ट। अप्रिशिएशंस की कमी, क्या मुझे ऐसा फील होता है वो मुझे अप्रिशिएट करे? क्या मुझे ऐसा फील होता है हर काम में वो मेरी तारीफ करे, उससे मुझे वाहवाही मिले? चलो उस पर्टिकुलर से नहीं, और भी लोगों से हो सकता है। मैं कुछ अच्छा काम करूं, सामने वाला मेरी प्रेज करे, क्या ऐसा होता है? अच्छा, अब ये हमने सभी क्वेश्चंस देखे, इसमें से कितने लोगों का पूरा पूरा है? कितने हैं? 15 हैं। सभी को लगता है 15 प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ। अच्छा, एक प्रॉब्लम? अच्छा, एक, ओनली वन? अच्छा, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, तो फिर तो एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले, हम यहाँ बात कर रहे हैं हाउ टू अदर्स, हाउ टू हैंडल, दूसरों की कमजोरियों को कैसे हैंडल करें। अब यहाँ मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर भी वीकनेस है, आया ना? और फॉर्मूला क्या है? सेल्फ चेंज टुवर्ड्स टू अदर्स चेंज, जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है। अब हम एक कोट देखेंगे, आप जिस तरह से लोगों को देखते हैं उसी तरह से आप उनके साथ व्यवहार करते हैं और वही वे बन जाते हैं। द वे यू सी पीपल इज द वे यू ट्रीट देम। आप जिस तरह से देखते हैं उसी तरह से आप उनके साथ व्यवहार करते हैं और वही वे बन जाते हैं। तीन शब्द हैं यहाँ पे, देखना, ट्रीट करना एंड बिकम। अब सामने वाले को हम किस रूप में देख रहे हैं? जस्ट कि वो मेरी बात नहीं मानता, कोई भी एक पॉइंट हम ले ले, कि वो मुझे इग्नोर करता है, हम इस रूप में देख रहे हैं? सामने वाले को हम किस रूप में देख रहे हैं? एक, कोई भी एक, जो जो लिस्ट या कोई भी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, किस रूप में देख रहे हैं? कि वो मेरी बात नहीं मानता, राइट? तो मतलब कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है, वो मेरी बात नहीं मानता, मैं जो कहता हूं, जो मैं कहती हूँ उस अनुसार वो नहीं चलता, मतलब वो मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है। तो हमने क्या किया? इस बात को परसीव कर लिया, मतलब पूरी तरह
उसको समझने लगे कि वो ऐसा ही है। जैसे कि मान लीजिए उसने आपने उसको कोई बात कही, उसके मन में बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, आपने उसको कोई बात कही और उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसने उस बात को नहीं माना, तो क्या हुआ? एक फीलिंग ये कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है डिफरेंट ओपिनियन, इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कहेंगे, इसको उसके इसका इसको क्या कहेंगे, डिफरेंट ओपिनियन। अब कई बारी लगता है सिचुएशन को देख के, पर्सन को देख के, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बिल्कुल कहना नहीं मानता है, ये बिल्कुल हमारे अनुसार नहीं चलता है, इसके साथ चलना बहुत मुश्किल है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों को देख के ये थॉट्स चलता है, बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता ना। उसका कारण क्या है? अब हमने उसको किस नजर से देखा? उसने मेरी एक बात नहीं मानी तो मैंने समझ लिया उसने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया, तो मेरा व्यवहार उसके लिए कैसा होगा, अर्थात मेरे वाइब्रेशंस कैसे होंगे उसके लिए? नेगेटिव। तो वो कैसा फील करेगा? फील डिसरिस्पेक्ट। अब कैसी एनर्जी वो फील करेगा? उससे फिर मुझे कैसी एनर्जी मिलेगी? डिसरिस्पेक्ट। तो ये साइकिल चलता रहता है। व्हाट इज डिसरिस्पेक्ट? किसको कहेंगे? क्या उसने मेरी बात नहीं मानी, इसको डिसरेस्पेक्ट करेंगे कहेंगे? हाँ, हाँ, हर एक की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, एक बहन है, उसको आपने कहा कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, मैं एक्सरसाइज के लिए जाती हूँ, मैं इतनी दूर रन करती हूँ, तुम भी चलो। तो उसने आपकी बात मानी, उसने एक दिन वो गई, 2 दिन वो गई, तीसरे दिन उसने जाना बंद कर दिया। एक सोच ये हो सकता है, देखो इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया, इन्होंने मुझे इग्नोर किया। दूसरा, उसके अंदर उतनी कैपेसिटी ही नहीं है, उसके अंदर उसकी उतनी ताकत ही नहीं है, और हम क्या सोच रहे हैं? उसको मेरे अनुसार चलना चाहिए, उसको जैसा मैं कह रही हूं उसको इतने समय तक एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। शिव बाबा हमको यहाँ बताते हैं, हर आत्मा, जैसे क्या किसी का आधार कार्ड आपस में मैच कर सकता है? मैच कर सकता है? तो मतलब हर एक यूनिक है ना, इस संसार में हर एक यूनिक है ना। हाँ, फिंगरप्रिंट्स मैच कर सकते हैं, डीएनए मैच कर सकते हैं, हर एक आत्मा इस संसार में यूनिक है, अर्थात हर एक आत्मा इंडिविजुअल अपने आप में परफेक्ट है, मतलब उसकी उतनी ही कैपेसिटी है, उससे हम उतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं रख सकते। अब जैसे कि एक और सच्ची घटना मैं बताती हूँ, एक बारी एक भाई यहाँ पे 7 डेज कोर्स के लिए आए, तो वो बहुत डिप्रेशन में थे, तो आफ्टर 1 मंथ उन्होंने कहा, दीदी मैं एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहूंगा। तो उन्होंने सुनाया, उन्होंने उनकी पूरी फैमिली जुडिशरी से थी, मतलब उनके मदर फादर, उनके इन लॉ, उनके ग्रैंड मदर फादर, उनके नाना नानी, सब जुडिशरी में, कोई जज कोई एडवोकेट। अब उस बच्चे के लिए भी घर वाले प्रेशर डाल रहे थे, तुम भी LLM करो और तुम जुडिशरी में आओ। उसने घर वालों के प्रेशर में आके LLM कर लिया, प्रैक्टिस भी करने लगा, लेकिन वो बहुत डिप्रेशन में था, जैसे बहुत दुखी था। अब
अच्छा, फिर जब उसने कोर्स किया, उसने अपना अनुभव बताया कि मुझे ये रियलाइज हुआ आफ्टर 1 मंथ कि ये मेरी कोर वैल्यूज नहीं है, मेरी कोर वैल्यूज है ऑनेस्टी, मेरी कोर वैल्यूज है सच्चाई, सफाई। मैं इस लाइन में फिट नहीं हो सकता, मेरे लिए लाइन अलग है। तो अब क्या हुआ, अब वो बच्चा, एक है पेरेंट्स की बात माने तो वो तो डिप्रेशन में आ गया, दूसरा है वो उनको बताए। तो यहाँ पे दूसरों को भी समझना जरूरी है कि हम क्या करते हैं, सामने वाले को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। उसको मेरे अनुसार होना चाहिए, मैंने जो कहा उसको मेरी बात माननी चाहिए। मैंने बचपन से सपना देखा है मेरा बच्चा बड़े होके इंजीनियर बने, मेरा बच्चा बड़े होके डॉक्टर बने, अभी उसे वही लाइन लेनी चाहिए, लेकिन वो तो किसी और लाइन में जाना चाहता है, फोटोग्राफी में जाना चाहता है, किसी और लाइन में जाना चाहता है। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में इसी बात की प्रैक्टिस कराई जाती है कि हर एक आत्मा इंडिविजुअल, अपने आप में यूनिक है, हर एक का, हर एक विशेष है। उसको प्यार और लस्ट, प्यार मतलब क्या, उसको उसके अनुसार आगे बढ़ने दो, मोह मतलब मेरे अनुसार बढ़े, मैं जो चाहता हूं, मैंने जो डिसीजन लिया इसके लिए वो ये करे, राइट। तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में यही टीचिंग दी जाती है, उसको उसके अनुसार आगे बढ़ने को। तो व्हाट इज डिसरिस्पेक्ट, जब हमें सामने वाले का व्यवहार व एनर्जी पसंद नहीं आती है। अब हम इसके पीछे की और थोड़ा सा एक साइंस समझेंगे, कैसे हमारे थॉट का इम्पैक्ट पर्सन पर, फैमिली पर, रिलेशंस, सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। सिर्फ एक चीज को चेंज करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। जिस तरह से हम एक पत्थर तालाब में फेंकते हैं तो क्या होता है, उसके रिपल्स तालाब के कोने कोने तक पहुंचते हैं। फेंका एक पत्थर और उसकी तरंगे कोने कोने तक पहुंचती हैं। उसी तरह से हमारे मन में उठने वाला एक थॉट, और उस थॉट में हम जब एकाग्र, सिर्फ एक बार थॉट नहीं, उसी थॉट से देखना। जैसे एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, एक 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 टीचर बहन थे, तो एक एक सिस्टर ने उनको बहुत बहुत गुस्सा किया उनके ऊपर, आप ऐसे नहीं करते, आप ये करते, आपको ये करना चाहिए। लेकिन वो जो बीके दीदी थे वो बिल्कुल एकदम शांत और लविंग, कुछ समय के बाद जो गुस्सा कर रहा था वो ही अपने आप में चेंज हो गया। एक बार एक मकान मालिक था, तो सेंटर रेंट पर था, तो जो मकान मालिक थे ऑनर वो सेकंड फ्लोर पर रहते थे, तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर रेंट पर था, तो वहां की जो बड़ी दीदी थे वो माउंट आबू गए थे, तो एक छोटी सिस्टर थी, 5th 5th क्लास में वो पढ़ाई करती थी, मतलब बड़ी भी सिस्टर थी तो छोटी सिस्टर भी रहने आई थी, 5th क्लास में वो पढ़ाई करती थी। तो सुबह सुबह उसको स्कूल जाना होता था, तो जैसे वो तैयार हुई तो उसको उसको सजने का बहुत शौक था, तो उसने काजल लगाया और दीवार पर थोड़ा सा ऐसे पोंछ दिया। तो जो लैंडलॉर्ड थी उन्होंने देखा कि काजल को पोंछ दिया, तो उसने बहुत गुस्सा किया, उस छोटी बच्चे के ऊपर बहुत गुस्सा किया, कैसे हिम्मत हुई दीवार पे पोंछने की। अच्छा, वो बहन भी पहुंची, कहा ये तो छोटी है, इसकी गलती नहीं है, मैं इसको बता दूंगी कि आगे से नहीं पूछे। अच्छा, ये बात थी सुबह 7 बजे की। अब वो जो लैंड लेडी लेडी थी वो शाम को आई और कहती है, दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो
उसको बोला, भाई अभी क्या बात करनी है, अभी इतना तो सुबह सारा सुना चुके हो, अब क्या बात करनी है। तो कहा, आप लोग कितने शांत रहते हो, मैंने इतना कुछ आपके लिए बोला और आप एकदम शांति प्यार के वाइब्रेशंस मुझे देते रहे। उसने कहा, मुझे भी आपका मेडिटेशन सीखना है, मुझे भी ये शांति सीखनी है। तो दूसरे को किसने चेंज किया, दूसरे को किसने चेंज किया? छोटे बच्चों को भी जब ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है तो साथ में क्या बनाया जाता है, पिक्चर बनाया जाता है, एप्पल का पिक्चर। बी फॉर बॉय, बॉय का पिक्चर। तो बच्चा पिक्चर देखता है तो जल्दी समझता है, राइट? तो हमें किसी को कोई चीज सिखानी है, बतानी है, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या उसके पास में वो पिक्चर है? तो हमारे यहाँ पर वो पिक्चर बनाना सिखाते हैं। आजकल का समय लोगों को कह के बदलने का नहीं है, आजकल का समय है खुद को चेंज करके, जो आज के ही हमारे महावाक्य थे, गुण मूरत बनो, गुणों का दान करो, राइट? तो जैसे अब आप इसमें देख रहे हैं, मेरा मन दुखी है, बहुत अशांत है, बहुत नेगेटिव सोच रहा है, जब भी देखता हूं मैं उस पर्सन को, बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा नहीं करता है, इसको ऐसा होना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी के ऊपर कैसा पड़ेगा? मेरी बॉडी हेल्दी रहेगी? नहीं। मेरे उसके साथ रिलेशंस कैसे बनेंगे? मैं जिसके लिए नेगेटिव सोच रहा हूं या जिसको अंदर ही अंदर ब्लेम कर रहा हूं, उसके साथ मेरे रिलेशंस कैसे होंगे? हार्मनी होगी, प्यार होगा, या जब आपके सम्मुख वो आएगा तब वो पीस होगा, वो लव होगा? हाँ, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा होगा? हाँ, सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसा होगा? अब इसी को हम उल्टा करते हैं, मेरा मन शांत है, वो कितना भी नेगेटिव है, वो कितना भी गलत है, वो चलो मान लिया वो ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे मन से उसके लिए शुभ भावना है, कल्याण की भावना है। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि बदलती है ना? तो मैं उसके लिए पॉजिटिव भाव रख रही हूं। एक बार नहीं, आप एक बार पॉजिटिव भाव रख रहे तो भी वो नेगेटिव है, 10 बार रख रहे तो भी वो नेगेटिव है, राइट? लेकिन आप रखते रहेंगे उस तक कौन से वाइब्रेशंस पहुंचेंगे, राइट? उस बहन ने इतना सुनाया, लेकिन उसको चेंज किसने किया, किस बात ने उसको चेंज किया? आपकी पॉजिटिविटी ने उसको चेंज किया। जो रोड होती है उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उस गड्ढे को भरने के लिए क्या करते हैं? जो रोड होती है उसमें गड्ढे हो जाते हैं ना, बारिश में गड्ढे हो जाते हैं, उस रोड को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? मतलब जिस मटेरियल से रोड बनी है वही चीज उसमें डालनी होती है, और कोई चीज नहीं डलती है। बालू पत्थर डाल देंगे, वो टेम्परेरी नहीं, वो टेम्परेरी है, लेकिन जिस चीज से रोड बनी होती है वही चीज डालनी होती है। तो रिलेशंस में प्यार है, रिलेशंस में पीस है, तो मुझे भी रिलेशंस को ठीक करना है, भी वो बिगड़ गया है, गड्ढे हो गए हैं, तो वही चीज डालनी पड़ेगी। तो फिर उसमें स्थायी कंसिस्टेंसी होगी, वो बहुत समय का होगा, राइट? हमारे यज्ञ में भी जब ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई तो कई लोगों ने बहुत अपोजिशन किया, बहुत बुरा भला अखबारों में निकलवाया, लेकिन कभी भी ब्रह्मा कुमारीज ने उनके अंगेंस्ट अपोजिशन नहीं किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हमेशा शुभ भावना, प्यार की भावना, कल्याण की भावना रखी। तो कुछ समय के बाद वो चेंज जरूर हो गए, राइट?
तो इस तरह से यदि मेरा माइंड हेल्दी है, अब इसको पॉजिटिव में देखें, मेरा मन बहुत खुश है, बहुत पीस है, उसके लिए दुआएं हैं, अच्छा भाव है, तो बॉडी के ऊपर भी मेरा कैसा असर हो, बॉडी कैसी होगी, बीपी हाई होगा उसको देखने से बीपी हाई होगा नहीं, रिलेशंस कैसे होंगे, जब भी वो आएगा सामने मेरे रिलेशंस, चलो मान लिया कि वो सही नहीं है, लेकिन क्या गलत करने से वो सही हो जाएगा, मेरे जोर से बोलने से, चिल्लाने चिल्लाने से क्या वो सही हो जाएगा, नहीं। यहाँ एनर्जी काम कर रही है, मुझे उसे पॉजिटिव एनर्जी ही देनी पड़ेगी, यही मात्र तरीका है और कोई तरीका नहीं है। आज हमारे यहाँ कई लोग आते हैं इसी सेंटर पे, अब आप यहाँ बैठे हैं, जब आप आए थे तब आप कैसा फील कर रहे थे, यहाँ के एनवायरनमेंट में जब आप बैठे तो कैसा फील किया, कैसा फील किया, क्रोध वाला, अशांति वाला, कैसे वाइब्रेशंस आ रहे थे, पीस। भले कोई डिप्रेशन में आया हो, भले कोई किसी भी माइंडसेट में आया हो, किसने उसको चेंज कर दिया, किसने उसको चेंज कर दिया, किसने आपको चेंज, किसने अनुभव कराया पीस का, आपको तो कोई ऐसे मेडिटेशन करने के लिए कहा नहीं था कि मेडिटेशन करो, पीस का अनुभव करो, कोई बात भी आपको नहीं बताई थी, किसने चेंज किया, वाइब्रेशंस ने, राइट। तो वाइब्रेशंस, अब मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उसके लिए शुभ भावना है, तो वो नेगेटिव भाव से वो आएगा भी, लेकिन जब वो इस उस एनवायरनमेंट में आएगा तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये एनर्जी है। तो शिव बाबा हमें यहाँ बताते हैं, कोई कैसा भी है, हमें हमेशा उसे शुभ भावना, कल्याण की भावना से ही उसके साथ ट्रीट करना है, क्योंकि जैसा हम ट्रीट करेंगे, जैसी दृष्टि से हम उसको देखेंगे वैसा वो बनेगा, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम ना, लेकिन मैं जैसा सोचूंगी वैसा मैं बनूंगी, मैं दूसरे के लिए सोचूंगी वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है उसके लिए, उसको टाइम लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे प्रोसेस होती है, राइट। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, करेंगे, इसी से रिलेटेड है, तो अभी क्या करना है, भाई जी आगे आ जाइए आप, हाँ अभी आप आपस में जोड़े बना लीजिए, आप साथ में आ जाओ, हाँ ठीक है, मेघा बहन आप हाँ इधर आ जाओ, हाँ अभी आप में से जो ज्यादा मजबूत है, शक्तिशाली है, वो मुट्ठी बंद करेंगे, जो ज्यादा शक्तिशाली है वो मुट्ठी बंद करेंगे, हाँ प्रदीप भाई, दिलीप भाई, हाँ जो ज्यादा शक्तिशाली है वो मुट्ठी बंद करेंगे, अच्छा अब आपको मुट्ठी खोलनी है, मतलब दूसरे को उनकी मुट्ठी खोलनी है, ठीक है, तो आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, यस, नहीं, कोई एक को दूसरे की मुट्ठी खोलनी है, हाँ बात वो, हाँ एक, देखो फिर से सुनिए, एक जन को मुट्ठी अपनी बंद करनी है और दूसरे को उनकी मुट्ठी खोलनी है, ठीक है, हाँ 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 क्या, देखो एक जन को, बहुत सिंपल है, इसमें क्या इंस्ट्रक्शन,
बहुत सिंपल है, एक जन को मुट्ठी, आप दोनों में से कोई एक जन मुट्ठी बंद करेंगे। नहीं, देखो ये मुट्ठी क्या है, ये फिस्ट, ये आपका हार्ट है, ये मुट्ठी क्या है, आपका हार्ट है, हार्ट का शेप इसी तरह। अभी रहस्य निकलेंगे ना, अभी एक्टिविटी करो तो फिर बताएंगे, अभी थोड़ी ना एक बार में थोड़ी ना ओपन करेंगे। चलिए, अभी आपको एक जन को मुट्ठी बंद करनी है, दूसरे को उसकी मुट्ठी खोलनी है। आवाज नहीं, साइलेंस, ठीक है। दूसरे को मुट्ठी खोलनी है। अच्छा, 20 सेकंड का टाइम है, हो गया? ओके। अच्छा, क्या आपको कहा गया था कि वो मुट्ठी खोले तो आपको बंद रखना है? नहीं, ये तो कुछ कहा नहीं गया था ना? तो ये था फोर्स, आपने फोर्स लगाया। अब ये आप समझ लीजिए, ये आपका हार्ट है, आपको किसी के दिल को खोलना है, आपने फोर्स लगाया, वो मेरे से अपनी बात शेयर करे, वो मेरा कहना माने, वो मेरी बात सुने, वो मुझे रिस्पेक्ट करे, आपने फोर्स लगाया, ठीक है। अभी दूसरा करते हैं, इसी इसी को करते हैं। अब क्या करना है, वो जो दूसरा है जिन्होंने मुट्ठी खोली थी, वो अब रिक्वेस्टली कहेंगे कि आप मुट्ठी खोल दीजिए, राइट। जो दूसरा है, एक तो जिनकी मुट्ठी बंद है, फर्स्ट वो, दूसरे वो उनसे फर्स्ट वाले से रिक्वेस्टली कहेंगे कि आप अपनी मुट्ठी ओपन कर दीजिए, ठीक है, कीजिए कीजिए। ठीक है, अच्छा, हो गया। अब थर्ड, सभी का हुआ, ठीक है। अब आपको सेकंड करना है, तो मुट्ठी खुल गई, खुल गई मुट्ठी, तो क्या लर्न किया, सामने वाला मेरे पास आए, अपने आप आए, क्या लर्न किया, कौन बताएंगे? फर्स्ट में, अच्छा, पहले ही आपको बताया था, ये आपका दिल है, ये आपका दिल है, अर्थात दूसरे का दिल है, दूसरे के दिल को आपको खोलना है। तो फर्स्ट में आपने क्या किया था, फोर्स लगाया था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। दूसरे में आपने क्या किया था, उससे रिक्वेस्ट किया था। तीसरे में आपने क्या किया था, सेकेंड। इसका अर्थ क्या हुआ, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? मतलब प्यार, रिस्पेक्ट, राइट, वैल्यूज, उसको अपना समझो, वो जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। घर में बच्चे की शादी हुई, अभी अभी नई बहू आई है, और फर्स्ट डे ही हम उसको कहें ये लॉज है, ये नियम है, ये कायदे, आपको ऐसा चलना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो तो डर जाएंगे, वो तो डर जाएंगे, होगा ना? तो यहाँ क्या है, लव एंड लॉ, लॉ अपने प्रति, लव दूसरों के प्रति, लव एंड लॉ कहते हैं ना, लॉ अपने प्रति, अपने आप को नियमों में चलाओ, और लव दूसरों के प्रति, लव से दूसरों को चलाओ। आजकल बहुत कम ऐसे हैं जो लॉ से चलेंगे, आजकल प्यार से ही चलाना होता है, वैल्यू से ही चलाना होता है, और मेन बात है उसके लिए शुभ भावना, वो उस तरह की हम एनर्जी उसको दे जिससे उसके अंदर ताकत आए, उसके अंदर शक्ति आए। और उसमें सबसे पहला तरीका है खुद के ऊपर खुद को एम्पावर करना। आप दूसरों को दे कब पाएंगे, आप दूसरों को दे कब सकते हैं, ट्रांसफर कब कर सकते हैं, जब आपके पास खुद होगा। आपके पास खुद ही प्यार नहीं है और आप कहो दूसरों को दे तो पॉसिबल है? आप खुद ही भर, आपके खुद की बैटरी डिस्चार्ज है तो दूसरे की बैटरी कैसे चार्ज करेंगे? एक बैगर
कभी भी आपस में नहीं मांगता है। बैगर को देखा कभी आपस में मांगते हुए? रेलवे स्टेशन, बस स्टॉपेज पर आप देखते होंगे कई बैगर मिल जाते हैं, उनको देखा कभी आपस में मांगते हुए? नहीं, वो किसके पास जाते हैं मांगने के लिए? जिसके लिए समझते हैं ये कैपेबल है, ये हमें दे सकते हैं। तो हम किससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? हम किससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? हम उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जिसके खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, जो खुद शक्तिशाली नहीं है। तो हमें उसको अभी देने की जरूरत है, प्यार, लव, पीस उसको चाहिए। मतलब वो खुद हर्ट में है, वो खुद बीमार है, पेशेंट है। पेशेंट से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें उसको देने की जरूरत है। और हम दे कब पाएंगे? जब हमने खुद की बैटरी को चार्ज किया होगा। तो ब्रह्मा कुमारीज में यही सिखाते हैं कि खुद को कैसे एम्पावर करना है, खुद को कैसे शक्तिशाली बनाना है। तो अभी हम एक वीडियो भी देखेंगे, हाँ व्हाइट लाइट कीजिए, कि कैसे वो बच्चा एकदम डिप्रेशन में आ गया था, है ना, पावरलेस हो गया था, और कैसे उसने खुद को अपने आप को एम्पावर किया। हर रोज वही मजाक, वही शर्मिंदगी। मैं कहीं भी जाऊं, बस लोग मुझे चिढ़ाते ही रहते हैं। इज देयर नथिंग गुड इन माई लाइफ? वाई एम आई सो यूजलेस? काश मैं भी बाकी लोगों की तरह फिट होता, मे बी देन आई वुड गेट सम रिस्पेक्ट। मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। अमित, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी वजन से तुम्हारी कीमत कम नहीं होती। यू आर प्रेशियस जस्ट द वे यू आर। लेकिन लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। दे विल नेवर एक्सेप्ट मी। इट इज मोर इम्पोर्टेंट हाउ यू सी योरसेल्फ देन व्हाट अदर्स थिंक। हर इंसान की अपनी खासियत होती है। यू हैव अ लॉट दैट मेक्स यू स्पेशल। But I don't have confidence in myself. मैं हमेशा खुद को कमतर महसूस करता हूं। Learn to accept and love yourself. तुम्हारी खूबियां तुम्हें पहचान देंगी, न कि तुम्हारी कमियां। जब तुम खुद से प्यार करोगे तो दुनिया भी तुम्हें समझेगी और स्वीकारेगी। Yes, I am fine just the way I am. मुझे खुद पर विश्वास है। I will love myself and recognize my strengths. आज से मैं खुद को स्वीकार करूंगा और अपनी जिंदगी को खुशी से जीऊंगा। और इस तरह अमित ने खुद को स्वीकार करके अपनी जिंदगी को नया मोड़ दिया। असली खुशी और आत्मविश्वास खुद को प्यार करने और स्वीकार करने में है। तो अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। अब अपने आप पर ध्यान एकाग्र करेंगे। अपने आप को देखेंगे, विजुलाइज करेंगे। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम अ एनर्जी। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। अब विजुलाइज करेंगे
मेरा ये शरीर गायब हो चुका है। इस कमरे में सिर्फ मैं आत्मा हूं। और मैं ज्योति बिंदु आत्मा ऊपर की तरफ उड़ती जा रही हूं। इस मकान से ऊपर, बहुत ऊपर जाती जा रही, बादलों को क्रॉस कर रही हूं और इस पृथ्वी से बाहर निकल रही, बाहर निकलते हुए अपने आप को देखिए, मैं आत्मा ऊपर की तरफ उड़ती जा रही हूं। चांद पर पहुंच गई हूं। ये पृथ्वी बहुत छोटी, एक गेंद की तरह दिखाई दे रही है। मैं आत्मा ऊपर की तरफ उड़ती जा रही हूं। इस मकान से ऊपर, बहुत ऊपर जा रही हूं। सूरज तारागणों को पार करते हुए, ग्रह नक्षत्रों को, गैलेक्सी को पार करते हुए बहुत ऊपर जा रहे। अब मैं आत्मा एक सुनहरे लाल प्रकाश के अंदर प्रवेश कर रही हूं। देखिए और अनुभव कीजिए यहां पर कितनी शांति है। ये मेरा अपना घर है। मुझ आत्मा के सम्मुख मेरे पिता, वो ज्योति बिंदु शांति के सागर शिव बाबा है। और उस शांति के सागर शिव बाबा से अपार शांति की सफेद किरणें निकल करके मुझ में समा रही है। मुझे असीम शांति का अनुभव हो रहा है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए मुझ आत्मा के सम्मुख मेरे पिता, वो ज्योति बिंदु शांति के सागर शिव बाबा है। और उस शांति के सागर से अपार
शांति का सफेद प्रकाश निकलकर मुझ में समा रहा है। मुझे असीम शांति का अनुभव हो रहा है। अब मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम घर से नीचे की तरफ आ रही हूं, इस संसार की तरफ। सूरज तारागणों को पार करते हुए, ग्रह नक्षत्रों को पार करते हुए, इस पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर रही हूं और इस शहर के अंदर आ गई हूं। और इस मकान के अंदर आ गई। अब अपने इस शरीर को देख रही हूं। ये मेरा शरीर है, ईश्वर के द्वारा मिला हुआ अमूल्य उपहार है। इस शरीर के द्वारा मुझे हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, अनेकों का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। अब अपने आप को इस शरीर में देखिए। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। आई एम अ एनर्जी। I am a peaceful soul, और मुझ आत्मा से शांति का प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल रहा है। सारा वायुमंडल शांत स्वरूप बन रहा है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से चारों तरफ फैल रहे हैं। ओम शांति।